नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद महेंद्र दया में। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं और होप सो कि आपको भी हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों और इसी के साथ आशा के साथ शुरुआत करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें और आप सभी का सिलेक्शन हो इस रेलवे के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, बढ़ते हैं लक्ष्य की ओर। तो दोस्तों हम लोग ने हेल्थ और ह्यूमन डिजीज़ के टॉपिक क्लियर किए थे, जिसमें जो बीमारियां थी, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, फंगल, हेलमेंथिक वाली, इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल जिसमें कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, वो हमने पढ़ा। इसके अलावा छोटी छोटी बीमारियाँ जिसके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा जो विटामिन डेफिशिएंसी, जो विटामिन का टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा विटामिन की कमी से होने वाले रोग और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की और हमने पढ़ी। और कुछ दोस्तों के कमेंट थे कि कुछ राइटिंग ढंग से समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से साफ लिख सकूँ। ये दिक्कत ये है कि इस पे जैसी मेरी राइटिंग है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं साफ इस तरीके से लिखूँ कि आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैं बार बार अगर कुछ ऐसा टिपिकल वर्ड होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी स्पेलिंग बोलूँ, ताकि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या मुझे मैंने जो लिखा है वो आपको दिख नहीं रहा है तो आप उससे क्लियर कर लें, ठीक है। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि मैं साफ लिखूँ, थोड़ा बड़ा लिखूँ और प्रॉपर आपको समझाऊँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये क्या है और क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्लियर किया है, हेल्थ के बारे में क्लियर किया, ह्यूमन डिजीज़ के बारे में क्लियर किया, विटामिन्स क्लियर किए, ब्लड क्लॉटिंग का टॉपिक था वो क्लियर किया, ठीक है। अब इसके अलावा अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ में शुरू हो गई है। शायद फिजिक्स के आपके सर ने टॉपिक क्लियर करवा भी दिए हैं, एक दो क्लासेस हो भी गई हैं, केमिस्ट्री की जल्दी वो शुरुआत करेंगे, ठीक है सर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अभी मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। क्या है ह्यूमन बॉडी? जैसा कि ह्यूमन बॉडी के बारे में पता है, जो भी मैं फिर बोल रहा हूँ कि अपने को 10th स्टैंडर्ड के बीच में पढ़ना है तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट होता है, जो जो चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसमें ह्यूमन बॉडी में हम लोग सिस्टम करेंगे, सिस्टम में चाहे आपका तंत्रिका तंत्र हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको सिस्टम के समेत, सिस्टम के साथ साथ वो करवाता रहूँगा, ठीक है। तो सर नॉर्मली हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमन बॉडी। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली लगभग 57% पानी होता है, वाटर, पानी, H2O, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में लगभग 57% अप्रॉक्सीमेटली 57% ह्यूमन बॉडी में वाटर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन सिक्स एलिमेंट्स होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी का मास, जो भार होता है, उसका 99% कवर करते हैं। जो ह्यूमन बॉडी में जो मुख्य एलिमेंट होते हैं उनमें कौन कौन सा है? ओ यानी ऑक्सीजन, सी यानी कार्बन, CARBON कार्बन, एच हाइड्रोजन, एन नाइट्रोजन, Ca कैल्शियम और पी फास्फोरस। तो ये मेन छह एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी को या ह्यूमन का मास जो कवर करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में मेनली ये एलिमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। पांच एलिमेंट होते हैं जो माइनर अमाउंट में पाए जाते हैं, 99% तो ये हो गया। तो बाकी के जो बचे हैं उनमें ये है जिसमें आता है के मतलब पोटेशियम, POTASSIUM, के मतलब पोटेशियम, ठीक है। एस मतलब सल्फर, SULPHER, NaNa मतलब सोडियम, SODIUM, Cl मतलब क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन Cl, और Mg फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। इसके अलावा एक माइनर ट्रेस मतलब बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में वो पाया जाता है, फ्लोरीन, ठीक है। तो ये था दोस्तों बॉडी में पाए जाने वाले एलिमेंट, जो ह्यूमन बॉडी में 57% वाटर होता है, ध्यान रखना। इसके अलावा जो छह मेन एलिमेंट होते हैं उनका क्या क्या नाम है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, जो 99% बॉडी मास को कवर करते हैं। फाइव एलिमेंट की बात करता हूँ, उसमें पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये पांच एलिमेंट। इसके अलावा बहुत ही माइनर अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में होता है फ्लोरीन, ठीक है। ये है, तो ये था ह्यूमन बॉडी के बारे में। अब मैं लिखता हूँ आपको सिस्टम, कि कौन कौन से सिस्टम है। हम लोग जो टॉपिक शुरू किए हैं वो है सिस्टम ऑफ बॉडी, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी में जो सिस्टम्स होते हैं, तो उनका मैं आपको नाम लिख के बताता हूँ एक बार। तो दोस्तों सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो मेन सिस्टम है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए,
या जिनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी मैं इनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। पढ़ा होगा आपने पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम, के खाना कैसे जाता है, कैसे पचता है और कैसे निकलता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वास तंत्र, ठीक है, परिवहन, जैसे सांस लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन निकलती है, CO2 का आदान प्रदान, ये वो, ठीक है। सर्कुलेटरी, ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किस तरह मल मूत्र सब बाहर निकलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम, कंकालीय तंत्र, हड्डियों के बारे में, जो भी कंकाल चीज़ें बनती है वो, ठीक है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जो हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड होते हैं, ठीक। और लास्ट एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें ग्रंथियाँ आती हैं। तो ये मोस्टली सिस्टम्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी इन सिस्टम्स में, वो मैं आपको लिखाता जाऊँगा। पर्टिकुलर हर सिस्टम के बारे में हम कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, और जो उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो निकालेंगे, ठीक है। तो होप्स हो कि जल्दी हम लोग सारे सिस्टम की ख़त्म करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे लेंगे ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, मैंने बता दिया एकदम ह्यूमन बॉडी के बारे में। 57% पानी होता है, इसके अलावा जो मेन मेन जो एलिमेंट है, जो 99% बॉडी को कवर करते हैं, जैसा कि आपको पता है पोटेशियम्स, मेन मेन एलिमेंट जो है उसमें है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फोरस। इसके अलावा माइनर में बात करते हैं तो पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम, इसके अलावा छोटी अमाउंट में फ्लोरीन, ये है। बाकी सिस्टम, ये सिस्टम आपको बता दिए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र, एक्सिटरी सिस्टम, कंकालीय तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन सिस्टम। तो पहला हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों देख रहे हो आप, मैंने लिखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र, ह्यूमन पाचन तंत्र। तो सबसे पहले आप पता होना चाहिए डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन क्या है कि जब आप लोग खाना लेते हैं, फूड इनटेक, ठीक है, उसके बाद जब खाना हम लोग मुंह में डालते हैं, उसके बाद निकलते हैं, निकलने के बाद में खाना जो हमने लिया उस फॉर्म में नहीं मिलता है, तो वो पूरा पचता है, उससे हमें ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, जो हमें बॉडी चाहिए होती है वो उसमें निकालती है, उसे कहते हैं पाचन, ठीक है। और उसके बाद में जो अपचित खाना है उसको बाहर निकाल देती है, तो ये है पाचन तंत्र। मतलब खाने का आपकी बॉडी को पाचन करके उसमें से ग्लूकोज, मिनरल्स या वाइटामिन जो भी है उसमें से निकाल के वापस अपचित खाने को बाहर निकालना, ये पाचन है, ठीक है। और जो तंत्र कहलाता है उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, पाचन, पाचन तंत्र। दो प्रोसेस में होता है, बायोकेमिकल मेथड एंड मैकेनिकल। बायोकेमिकल मतलब जिसमें क्या एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लार हो गई तो इसमें सलाइवरी एमाइलेज टाइलिन हो गया, ये पचन करेगा। इसके अलावा जब स्टोमक में जाता है तो इसमें स्फिंक्टर लगे होते हैं, जो कि HCL निकालते हैं, कार्डिक फंडिक पाइलोरिक स्फिंक्टर निकालते हैं, तो ये। और मैकेनिकल मतलब जैसे आते हैं तो क्रमांकुंचन क्रियाविधि करती है और खाने को पचाती है, ठीक है। तो ये बायोकेमिकल और मैकेनिकल मेथड हो गए, ठीक है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं और कुछ ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होती हैं। तो अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऑर्गन है और कैसे खाना उसके अंदर जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये नॉर्मल डाइजेशन की डेफिनेशन है जो मोस्टली आपको पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई खाने का पचन के दो मेथड हैं, बायोकेमिकल मैकेनिकल, डाइजेशन क्या है और ये ऑर्गन और ग्लैंड इसमें इन्वॉल्व होती है, इसमें से नहीं पूछा जाएगा। अब जो डायग्राम बनाऊंगा वो आपको देखना है। तो दोस्तों ये है डायग्राम, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से क्या है। तो पहले बता दूँ कि ये है फेरिंग्स, जहाँ से खाना आता है, और ये जो मेन है यहाँ से शुरू होता है, इसे कहते हैं ईसोफेगस, ठीक है। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, OESO, OESO PHAGUS, इसका नाम है ईसोफेगस, ठीक है। उसके बाद ये खाना यहाँ पहुँचता है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। ध्यान रखना, जब बच्चे होते हैं ना, बच्चों बच्चों में क्या होता है, कभी कभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो मुंह से वापस दही निकाल देते हैं, कभी कभी देखा होगा दूध पीने के बाद में वो दही निकाल देते हैं, ठीक है ना। उसका रीज़न है कि दूध जब यहाँ पर पहुँचता है तो वो HCL की वजह से फट जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों में क्या होता है कि ये जो स्फिंक्टर होता है, जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर के अंदर, तो इस स्फिंक्टर की वजह से वो खाना वापस आ जाता है बच्चों के अंदर, क्योंकि इंस्पेक्टर ये उस समय डेवलप नहीं होता है, तो एज के साथ में इंस्पेक्टर बनता है, तब एक बार निगलने के बाद में खाना वापस ऊपर नहीं आता है, ठीक है। वॉमिटिंग के टाइम ये बाहर आता है, तो हो गया ईसोफेगस। ये कहलाता है स्टोमक, क्या कहलाता है? स्टोमक, ठीक है। ध्यान रखना, स्टोमक कैसा होता है? J-शेप, ये भी कई बार सवाल पूछा हुआ है, ठीक
कि स्टोमक का आकार कैसा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टोमक का आकार ऐसा होता है, ये इस तरीके से, ये और ये ऐसे, ठीक है। तो स्टोमक का आकार जे शेप होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इसमें तीन भाग होते हैं, कार्डियक, पंडिक, पाइलोरिक, जो मैं आपको अलग से बता दूंगा अभी, ठीक है। अब जब यहाँ से खाना आगे पहुँचा तो ये कार्डियक, पंडिक, पाइलोरिक, यहाँ इंस्पेक्टर होता है पाइलोरिक इंस्पेक्टर, ठीक है। ये कहलाती है ड्यूडेनम, इसका नाम है ड्यूडेनम, DYDUODEN UM, ठीक है। ये स्टोमक आगे गया ड्यूडोनम, ठीक है। अब ड्यूडोनम के आगे जाने के बाद में आती है यहाँ पे जूजेनम, ये जूजेनम, ठीक है। ये पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। यहाँ से शुरू होती है एलिमेंट्री कैनाल, से बोल सकते हो एलिमेंट्री कैनाल, इसका हिंदी में नाम है आहार नाल। तो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ मुंह से शुरू होती है, माउथ से, ठीक है, और ये यहां तक पहुंचती है एनास तक, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मैंने बोला नहीं, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। तो ये पूरी की पूरी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो आहार नाल, हम कैसे हमारा खाना कहाँ कहाँ जाता है। तो हमने देखा कि ये यहाँ से गया और ये है ड्यूडेनम, ये जुजेनम। अब जो जो ये भाग है, ये वाला, जिसे बोलते हैं लीवर यानी यकृत, और ये वाला भाग गैल ब्लेडर, ठीक है। इंग्लिश में ही नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ हिंदी में है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आहार नाल, तो सबसे पहले खाना गया इसोफेगस में, उसके बाद स्टोमक में पहुंचा। स्टोमक में तीन भाग है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, जो मैं आपको बता दूंगा। पाइलोरिक इंस्पेक्टर से निकलने के बाद में ये ड्यूडेनम जाता है और ये जुजेनम में जाता है, यहाँ पर बीच में पाया जाता है यकृत, ठीक है, और इसके अंदर होता है गैल ब्लेडर। अब ड्यूडेनम, जुजेनम, यहाँ पर जो कॉलन होती है वो असेंडिंग कॉलन, जो ये कॉलन होगी जो हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है, ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, और जो ये लंबवत है इस तरीके नीचे जो आ रही है, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन, नीचे गिरती है जो, डिसेंडिंग, ठीक है। क्या है? डिसेंडिंग कॉलन, ये है रेक्टम, RECTUM, और ये है NS, जहाँ से खाना निकलता है। इसके अलावा एक और होता है जिसको अपन बोलते हैं कि अपेंडिक्स, एक एक्स्ट्रा मसल्स होती है जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स, तो ये थी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, एलिमेंट्री, ALIMENTARY, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, आहार नाल। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं साफ लिखूँ, थोड़ा बहुत अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले खाना मुंह में जाता है, मुंह में पचता है, माउथ, अब माउथ के थोड़े बहुत पार्ट होते हैं जो मैं आपको अलग से लिखाऊंगा, जिसके अंदर सब लिंगुअल ग्लैंड होती है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, फिर फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स में एक एपिग्लॉटिस होता है जिसकी वजह से खाना, वो हवा को और खाने को कंट्रोल करता है, ठीक है। जब खाना निगला जाता है तो वो हवा वाले उसको वॉल्व को बंद कर देता है, तो खाना यहाँ से आहार नाल में घुसता है और सबसे पहले ईसोफेगस में आता है, ठीक है, नंबर वन ईसोफेगस में पहुँचा। फिर ये स्टोमक में पहुँचा, यहाँ पर स्पिंटर होते हैं, कार्डियक इंस्पेक्टर, तीन भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक इंस्पेक्टर या पाइलोरिक इंस्पेक्टर। यहाँ से खाना निकलता है ड्यूडेनम से जुजेनम में, बीच में यहाँ पाया जाता है यकृत, लीवर और ये गैल ब्लेडर। अब यहाँ से आगे ये जुजेनम कहलाती है, ये कॉलन असेंडिंग कॉलन, ASCENDING, असेंडिंग, COLON कॉलन, ये ट्रांसवर कॉलन जो क्षैतिज है, ट्रांसवर्स, TRANSVERSE, डिसेंडिंग कॉलन जो नीचे की तरफ है, DESCENDING, डिसेंडिंग कॉलन, ये रेक्टम, RECTUM, लिख देता हूँ वापस से, RECTUM, रेक्टम, और ये NS, एक एक्स्ट्रा मसल जिसे कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये नॉर्मली एक जनरल था स्ट्रक्चर जो आपको पता होना चाहिए, इसके थ्रू आप काफ़ी क्वेश्चन कर पाएंगे कि क्या मतलब क्या किस तरीके से फूड का प्रोसेस है, तो आपको पता होना चाहिए ईसोफेगस, स्टोमक, फिर ड्यूडेनम, जुजेनम, असेंडिंग, ट्रांसवर, डिसेंडिंग, रेक्टम, एनाल, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक ये स्टोमक का लिख देता हूँ, एक इसका भी डायग्राम बना देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कैसे पार्ट्स हैं या कैसे खाना जाता है मैं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेता हूँ स्टोमक, तो जैसा कि देख रहे हो ये है स्टोमक, तो ये जैसे कि बताया था मैंने, ये ईसोफेगस, यू ई एस ओ
इसोफेगस, ठीक है। तो मैंने बताया कि स्टोमक के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले स्टोमक, ये स्टोमक है। स्टोमक कौन से शेप का है? STOMACH। स्टोमक कौन से शेप का है? सबसे पहला है कि जे शेप्ड, जे शेप्ड, ठीक है। तीन पार्ट है, कौन कौन से? कार्डियक, दूसरा है फंडिक, FUNDIC, फंडिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक, ठीक है। जो ये स्फिंक्टर है, वॉल्व, स्फिंक्टर मतलब वॉल्व, वॉल्व, ठीक है। इसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर, CARDIAC, कार्डियक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, कार्डियक वॉल्व, ठीक। और ये स्फिंक्टर है, इसका नाम है पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक वॉल्व, ठीक है। तो ये था स्टोमक, पता होना चाहिए। जे शेप होता है, तीन पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ठीक है। अब जो यहाँ पे स्पिंक्टर होता है उसे कहते हैं कार्डियक स्पिंक्टर, कार्डियक वॉल्व, और ये होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर, पाइलोरिक वॉल्व। तो ये था डायग्रामेटिक। अब मैं बताता हूँ आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में नेक्स्ट में। तो दोस्तों देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, जो खाना मुंह से लेकर एनस तक जाता है, एनाल तक जाता है। तो जो जो बीच में ऑर्गन्स आते हैं उसमें देखो, सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले कि एलिमेंट्री कैनाल जो ह्यूमन की बात करें तो 8 से 10 फीट लंबी, कितनी? 8 से 10 फीट लंबी, 8 से 10 मीटर, सॉरी मीटर, 31 फीट लंबी है। हाँ, 8 से 10 मीटर लंबी और 31 फीट लंबी, या तो 8 से 10 मीटर होगा ऑप्शन या 31 फीट। एक बार क्वेश्चन में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि ह्यूमन की जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है, तो उसमें ऑप्शन था 25 फीट, 22 फीट, 21 फीट, 31 फीट। तो 31 फीट इसका आंसर है, तो ध्यान रखिएगा। तो ह्यूमन आहार नाल 31 फीट लंबी। और अब अपन पार्ट्स की बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल्स के कितने पार्ट है। तो सबसे पहला माउथ, ठीक है, जो आपका मुंह है वो पार्ट हो गया। उसके बाद बक्कल कैविटी, जो मुंह का अंदर पार्ट है, जिसमें क्या क्या आता है। बक्कल कैविटी में टीथ, आपके दांत, टंग, आपकी जीभ, सेलेवरी ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स होती है जो भोजन को गलाती हैं, जिससे लार होता है, जो भी है, जिसके भोजन पचता है, निगला जाता है, तो वो पाया जाता है बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक है। तीसरा फेरिंग्स, जिसके अंदर वो स्पिंक्टर लगा होता है। चौथा इसोफेगस, वो आहार नाल जिसमें खाना जा रहा है। स्टोमक, पाँचवा जैसे कि मैंने बताया। छठा है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो पार्ट है वो रेक्टम एनाल, और वो रेक्टम एनाल, ठीक है ना। तो ये इसके पार्ट है। तो अब हम एक एक बारे पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करूँगा, अगर माउथ की बात करूँ तो इसके बारे में आपको बता दूँ कि माउथ मतलब जहाँ पर खाना आप लोग मुंह में लेते हैं, बस वो माउथ आपके जो दो लिप्स हैं, दो लिप्स और गाल और चीक, इसको काउंट किया जाता है माउथ के अंदर, ठीक है। तो मेनली जो शुरू करेंगे अपन लोग, पढ़ेंगे बक्कल कैविटी से। तो बक्कल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है? टीथ, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। तो पहले हम लोग टीथ के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं अभी लिखता हूँ बक्कल कैविटी। तो दोस्तों शुरू करते हैं बक्कल कैविटी से। तो जैसा कि मैंने बताया कि बक्कल कैविटी के तीन पार्ट होते हैं, मतलब बक्कल कैविटी में तीन चीज़ें पाई जाती है, जिसमें टीथ, दांत, टंग, जीभ, सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, ठीक है। अब देखो, जो अपर पोर्शन ऑफ बक्कल, जो बक्कल होता है, जो मुंह होता है, मुंह का जो अपर पोर्शन होता है, जो अंदर की तरफ होता है, ठीक, उसे कहते हैं पैलेट, PALLAT, ताड़ू, तालू, ठीक है। ऊपरी तालू, नीचे तालू, मतलब ऊपर वाला होगा तो उसे कहेंगे अपर पैलेट, नीचे वाला होगा तो लोअर पैलेट, ठीक है। तो ये हो गया तालू, बक्कल कैविटी का ऊपरी भाग तालू कहलाता है, ठीक है। अब टीथ की बात करते हैं, सबसे पहले हमने लिया है टीथ, दांत, ठीक है। सभी को पता है कि दो ऊपर अपर जॉ होता है, लोअर जॉ होता है, तो लोअर जॉ में भी टीथ होते हैं और अपर जॉ में भी टीथ होते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो हम लोग नॉर्मली 32 दांत होते हैं, जैसा कि सभी जानते हैं। तो दो जॉ हो गए, अपर जॉ, लोअर जॉ, ठीक है। अब अगर दांत की बात करते हैं तो मोस्टली दांत के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। उसमें पहला होता है क्राउन, अपर पार्ट, नेक, मिडल पार्ट, रूट, जड़, यानी लोअर पार्ट। एक बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि जो दांत का वह भाग जो दिखाई देता है, तो ध्यान रखना कि अपना जो दांत का जो दिखाई देने वाला भाग है वो क्राउन है। क्राउन मतलब अपर पार्ट, जो बाहर का पार्ट होता है, अपर पार्ट जो दिखता है। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको नॉर्मल ऐसे पूछ लेगा कि दांत का वह भाग जो दिखता है, तो उसमें लिख देगा आपको क्राउन, नेक, रूट, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, या सभी दिखते हैं। तो
तो आपको पता होना चाहिए कि क्राउन पार्ट होता है जो आगे वाला पार्ट होता है, जो दांत का आपका दिखता है वो दिखने लायक पार्ट होता है, उसे कहते हैं क्राउन यानी अपर पार्ट। ठीक है, नेक यानी मिडल पार्ट, बीच वाला भाग, रूट यानी जो अंदर जबड़ों के अंदर की तरफ होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं लोअर पार्ट यानी रूट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एक नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन में हिट्रोडोंट टीथ होते हैं। हिट्रो हिट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के दांत, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, इसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इस प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कुल 32 दांत होते हैं ह्यूमन बॉडी में, 16 ऊपरी जबड़े में, 16 निचले जबड़े में। ठीक है, अब दांतों के प्रकार की बात करते हैं तो चार प्रकार के दांत ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। इंसीजर, INCISOR, इंसीजर, कैनाइन, CANNINE, प्रीमोलर एंड मोलर्स, MOLARS। तो ठीक है, तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो चार डिफरेंट टाइप के दांत हो गए। जो इंसीजर होते हैं वो आगे वाले होते हैं दांत, आपने देखे होंगे शुरू के चार दांत जो होते हैं, तो आगे वाले, नीचे वाले, तो चार दांत होते हैं जो बाइटिंग और कटिंग में, जो बाइट करने में और कट करने में काम आता है। ठीक है, उसके अलावा जो कैनाइन होते हैं, जो तीखे वाले दो दांत होते हैं, दो ऊपर के तीखे, दो नीचे के तीखे, ये फाड़ने के काम आते हैं, मांस फाड़ने या फिर बहुत शार्पली पॉइंटेड होते हैं, फाड़ने के काम होते हैं। ठीक है ना, तो इन कैनाइन और प्री मोलर और मोलर, जो पीछे वाले जो दाढ़े होती हैं वो कहलाती है प्री मोलर और मोलर, जो कि क्रश और ग्राइंड करने में, उसको तोड़ने में और खाने में। ठीक है, तो दोस्तों ये था टीथ, जिसमें मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी में हिट्रोडोंट टाइप के टीथ होते हैं, मतलब डिफरेंट प्रकार के दांत होते हैं, कुल 16 16 16 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं, कुल 32 दांत होते हैं, चार प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर जो आपके आगे वाले दांत होते हैं, जो दिखते हैं ऊपर वाले नीचे वाले दिखते हैं, ठीक है, इंसीजर कहलाते हैं, चार ऊपर चार नीचे, वो बाइटिंग और कटिंग में काम आते हैं, कैनाइन चीरने और फाड़ने के लिए काम आते हैं, शार्पली पॉइंटेड, प्रीमोलर और मोलर क्रश और ग्राइंड के काम आते हैं। एक बार क्या मतलब, कई बार सवालों में ये पूछा गया है कि कौन से मांस को फाड़ने के लिए कौन सा दांत, मोस्टली दांतों का कौन सा प्रकार होता है जो मांस को फाड़ता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो आपको पता होना चाहिए कैनाइन, ये बोला था कि बाइटिंग और कटिंग के लिए कौन से दांत यूज़ किया जाता है, तो इंसीजर टाइप का दांत यूज़ किया जाता है, बाकी ग्राइंडिंग के लिए और क्रश के लिए, तोड़ने के लिए और उसको क्रश करने के लिए प्रीमोलर और मोलर टाइप के दांत यूज़ किए जाते हैं। तो था ह्यूमन बॉडी के हिट्रोडोन टाइप। अभी एक है कि एक फॉर्मूला है, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि दांतों के अंदर कौन से कितने मोलर कितने प्री मोलर होने चाहिए, तो वो मैं लिखता हूँ अभी। तो दोस्तों ये है डेंटल फार्मूला, तो आप इसको 2143 2143 या 2143 2143 के हिसाब से याद रख सकते हैं। ठीक है, 2143 2143, अब देखो कैसे, जो ये है, एक मिनट, इसको, हाँ इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग इंसीजर, ठीक है, जो ये है कैनाइन, ठीक है, कैनाइन, एक मिनट दोस्तों, इसमें 2123 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट, 2123 2123, तो ये कैनाइन, ये प्री मोलर और ये मोलर। ठीक है, तो 2123 2123 ये अपर जॉ को प्रेजेंट करेगा, ऊपरी जबड़े को, अपर जॉ, ऊपरी जबड़ा, ठीक है, और ये लोअर जॉ, लोअर जो, ठीक है, ये लोअर जो को, तो देख लो डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2123 अपॉन 2123, 2123 अपर लोअर, तो दो इंसीजर को, एक कैनाइन को, दो प्री मोलर को, तीन मोलर को, इसका मतलब क्या है, देखो जो ऊपरी जबड़े में है आपके दो इंसीजर होंगे, ठीक है, इंटू टू, ये मत भूलिएगा, इंटू टू, हाँ इंटू टू, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 × 2 = 4, मतलब ऊपर जो आपके चार है, चार इंसीजर, कैनाइन एक, एक इंटू दो, दो कैनाइन, एक इस तरफ, आप चाहे चेक कर सकते हैं, प्रीमोलर दो दो चार, मतलब दो इस तरफ और मोलर 3 × 2 = 6, तो 6 मोलर, तो टोटल मिला के ऊपर 16, 3 × 2 = 5 6 7 8, 8 × 2 = 16, तो 16 ऊपर और 16 नीचे, ठीक है, दो यानी चार, चार इंसीजर, दो कैनाइन, चार प्रीमोलर और 6 मोलर, तो 2123 अपन 2123 इंटू दो 32, ध्यान रखना
दो इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 2123 अपॉन 2123 इंटू दो, दो से करना है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करना है दो से करना है, तो टोटल मिला के 32। तो ये था डेंटल फॉर्मूला, 2123 अपॉन 2123, दो जो पहला दो है वो इंसीजर, जो एक है कैनाइन, जो अगला दो है प्रीमोलर और तीन है मोलर, ठीक है। तो दोस्तों ये नॉर्मली था डेंटल फार्मूला, इसमें ज़्यादा आपको कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये था टीथ, टीथ के बारे में पता किया हमने, कैसा होता है, हिट्रोडोंट होते हैं ह्यूमन टीथ, क्या होते हैं, हिट्रोडोंट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं इसके, क्राउन, नेक, रूट। जो विजिबल पार्ट होता है क्राउन, जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन में कई बार पूछा हुआ है, क्राउन अपर पार्ट, विजिबल पार्ट, दूसरा नेक, और तीसरा है रूट, रूट यानी लोअर पार्ट, ठीक है। अगर टीथ की बात करते हैं तो टीथ के चार प्रकार होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो इंसीजर किस काम आता है, कटिंग एंड बाइटिंग के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कैनाइन चीरने फाड़ने में, प्रीमोलर और मोलर क्रच करने में, ग्राइंड करने में और चबाने में, ठीक है। डेंटल फार्मूला की बात करते हैं तो डेंटल फार्मूला क्या है, 2123 अपॉन 2123 इंटू दो, दो कैनाइन इंसीजर, कैनाइन प्रीमोलर मोलर इक्वल टू 32। तो ये था टीथ के बारे में। अब कुछ टीथ के अंदर टर्म्स है जो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो दोस्तों कुछ टर्म्स है, जैसे कि सबसे पहले टर्म्स की बात करता हूँ, इनेमल, तो नाम आपने सुना होगा सबसे पहले भी, इनेमल, इट इज़ ए आउटर लेयर ऑफ अ क्राउन, जो आपका विजिबल पार्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि दांत के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, क्राउन, नेक एंड रूट, ठीक है, तीन पार्ट होते हैं, जो आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर विजिबल पार्ट होता है उसे कहते हैं क्राउन। तो जो क्राउन होता है इसकी आउटर लेयर होती है वो इनेमल कहलाती है, क्या कहलाती है, इनेमल, ठीक है। हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ द बॉडी, इंपॉर्टेंट है, गारंटेड है, पूछा हुआ सवाल है, और आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए हैं तो पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन आता है इनेमल हो गया या कुछ और भी चीज़ें होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इनेमल जो क्राउन है उसकी आउटर कवरिंग बनाता है और सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, अगर ऑप्शन होगा इनेमल तो आपको इनेमल करना है। तो क्या है इनेमल, इट इज़ अ आउटर कवरिंग ऑफ क्राउन, क्राउन जो दांत का एक पार्ट है, तीन पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक, रूट, तो जो क्राउन को कवर करता है वो इनेमल कहलाता है, और हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस, ठीक है। अगर दूसरी बात करते हैं हम लोग, दूसरी चीज़ की, दूसरी है ये सीमेंट लेयर, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ नेक एंड रूट रीजन, जो दांत का मिडिल पार्ट और इनर पार्ट जो कि रूट हो गया और नेक हो गई, उसको जो कवर करता है वो कहलाती है सीमेंट लेयर, ठीक है, नॉर्मली ये ध्यान रखना है। पल्प कैविटी, जो दांत का सेंटर भाग होता है, जो अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो कैविटी होती है सेंटर ऑफ द टूथ, उसे क्या कहते हैं, पल्प कैविटी, जो दांत का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो होती है कैविटी उसे कहते हैं पल्प कैविटी, और डेंटेट क्या होता है, जो पल्प कैविटी को सराउंड करता है चारों तरफ, जिसके पल्प कैविटी के चारों तरफ आया जाता है वो डेंटेट कहलाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है सिर्फ इनेमल, ध्यान रखना, इट इज़ अ आउटर कवरिंग ऑफ अ क्राउन, जो क्राउन दांत का पार्ट है उसकी आउटर कवरिंग है, ठीक है। तो दोस्तों ये था एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट, मैंने बताया कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ, बक्कल कैविटी, फिर इसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग डिसेंडिंग कॉलन, सब इसी के अंदर आएंगे। उसके बाद हमने शुरू किया बक्कल कैविटी, जिसमें मैंने आपको बताया कि तीन पार्ट हैं, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो हमने टीथ के बारे में शुरू किया, एक तालू के बारे में बताया कि जबड़े के ऊपर वाला भाग, जो मुंह के ऊपर वाला भाग तालू कहलाता है, ऊपर वाला कठोर तालू वो वाला, ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, ऊपर वाला कठोर, नीचे वाला सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, ये तालू हो गया। और उसके बाद में हमने शुरू किया फर्स्ट टीथ लिया, तो हमने बताया कि टीथ ऊपर जबड़े वाले, नीचे जबड़े, दोनों अलग अलग जबड़ों में 16-16 दांत होते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं। टीथ के बारे में तीन पार्ट होते हैं टीथ के, जिसमें क्राउन हो गया जो सबसे दिखता है, जो दिखने वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्राउन पूछा हुआ सवाल है, दूसरा है नेक जो मिडिल पार्ट है, और तीसरा है रूट जो लोअर पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया कि जो ह्यूमन के दांत होते हैं वो हिट्रोडॉन टाइप के होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के दांत पाए जाते हैं, तो ह्यूमन में चार टाइप के दांत होते हैं, जिसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर है। अगर इंसीजर की बात करें तो इंसीजर कटिंग एंड बाइट में काम आते हैं, जो आपके फ्रंट वाले दांत होते हैं, कैनाइन वो होते हैं चीरने फाड़ने के काम आते हैं, और प्रीमोलर और मोलर ग्राइंडिंग, क्रशिंग और चबाने में काम आते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर डेंटल फार्मूले की बात करें तो मैंने बताया 2123 अपॉन 2123, जो शुरू के दो थे वो इंसीजर, उसके बाद एक था जो कैनाइन, दो थे प्रीमोलर और उसके बाद में मोलर, ठीक है, तो वो इंटू टू करना है आपको, वो ऊपरी जॉ के और निचली जॉ के आ जाएंगे, तो 2123 अपॉन 2123। इसके अलावा कुछ टर्म थी जिसके अंदर इनेमल था,
आउटर कवरिंग ऑफ क्राउन सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। सीमेंट लेयर की बात करते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ नेक एंड रूट। पल्प कैविटी की बात करते हैं, कैविटी इन द सेंटर, सेंटर ऑफ द टूथ और डेंटाइन की बात करते हैं, इट्स सराउंडेड बाय द पल्प कैविटी। तो दोस्तों ये था टीथ के बारे में। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टंग के बारे में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है कि भाई टंग, जो भी टंग से रिलेटेड चीज़ें आ गई, उसके बाद में फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन। तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम का जो आपके एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड बचेंगी, जिसके थ्रू जो जो आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या निकलता है, जिसमें लीवर हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे, पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। लीवर इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, लीवर से कई बार सवाल पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और कुछ अगर राइटिंग की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कुछ और साफ लिखूँ, इस बार आज मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया है कि आपको थोड़ा प्रॉपर समझ में आए। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं अपना आपके लेवल तक का ही पढ़ा रहा हूँ, इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उसके अंदर तक आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।